आज आईएएस कंपटीशन की तैयारी की स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर विशाल मिश्रा, जिनकी इस बार ऑल इंडिया रैंक 49 आई। इस आईएएस कंपटीशन में लाखों बच्चे अपियर होते हैं आईएएस बनने के सपने को लेकर, लेकिन चंद ही बच्चे हैं जो अपने इस सपने को साकार कर पाते हैं। ऐसे चंद खुशकिस्मत लोगों में से मिस्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी कामयाबी के लिए धे आईएएस की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इस कंपटीशन को कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन है। दिस इज द टफेस्ट कॉम्पिटिशन ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट, राइट। लेकिन इस कंपटीशन जो 3 स्टेजेस का है, उसमें जो सबसे चैलेंजिंग स्टेज है वो मेन एग्जाम है, और मेन ही इस कंपटीशन का मेन पिलर है। और इस मेन एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज का वेटेज 50% से ज्यादा है। चार पेपर हैं 250-150 नंबर के, राइट। हम एक एक करके इन पेपर्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई और क्या जो इस कंपटीशन में अपियर होने वाले बच्चे उनको अपनानी चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं पेपर वन से। पेपर वन में ज्यादातर जो एरियाज वो स्टैटिक हैं, राइट। ऐसे पेपर के लिए आपका क्या सुझाव है? सर, पेपर वन में सबसे जो टफ पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर है, जो मुझे फील हुआ तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। हर साल क्वेश्चन थोड़े से आते हैं, तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन अपना सब कुछ उसमें देने की जरूरत नहीं। एक आधा क्वेश्चन अगेन वही प्रीलिम्स वाली बात, एक आधा क्वेश्चन जो ऐसा रखते हैं हर पेपर में, जीएस वन हो चाहे जीएस टू हो, जो टफ होता है, हो सकता किसी को भी ना पता हो। दूसरा, मेरा जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शन था, तो पेपर वन मुझे थोड़ा सा आसान लगता थी। 4-5 क्वेश्चन सोशल इश्यूज के आते थे, और पेपर वन वहीं से शुरू करता था, उससे समय भी बचता था। तो यदि किसी का हिस्ट्री ऑप्शन है तो वो हिस्ट्री करेगा, किसी का ज्योग्राफी ऑप्शन है तो ज्योग्राफी करेगा। तो पेपर वन के लिए मैंने कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं बनाई, सब कुछ स्टैटिक जगह से पढ़ा और बैलेंस बना के रखा है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आने तो 2 ही 3 क्वेश्चन है। जी तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस बनाना, उसमें हिस्ट्री भी है, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर भी है, सोशल इश्यूज भी है, ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो हमें बैलेंस बनाना है कि सभी सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा काम पहले हो जाए, बजाय इसके कि 2 में एक्सेल कर लिया और बाकी। अच्छा, जो पेपर 2 और पेपर 3 है, ये बहुत करंट ओरिएंटेड पेपर्स हैं। करंट का रोल इन पेपर्स में ज्यादा है, तो इन पेपर्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? जैसे सर पेपर 2 है, इसमें पॉलिटी है, नो डाउट सर करंट अफेयर है, बट जो बेसिक प्रीलिम्स की नॉलेज है वो बहुत काम आती है। जैसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स हैं, टाइप टू प्रिंसिपल्स, हो सकता है क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली ना पूछे जाए, बट आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने में उनको मदद मिले। तो एक तो ये है कि वो स्टैटिक पार्ट आपको जल्दी से पढ़ना है। दूसरा, करंट अफेयर के लिए क्या करना चाहिए, जो मैंने किया वो ये था कि मैंने कॉपीज बनाई पेपर 2 के लिए, जिसमें पॉलिसीज थी, सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल के जजमेंट एक साथ एक जगह कर लिए, ताकि आखिरी मोमेंट में मुझे रिवाइज करने में आसानी रहे और मैं अच्छे से कोलेबरेट कर सकूं। ये पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था, जब गलतियां की फिर समझ में आया कि नहीं, मैं मुझसे आखिरी मीन्स में समझ मीन्स की टाइम टेबल में संभाल नहीं पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें सेग्रीगेट करने की जरूरत है, डिवाइड एंड रूल बनने से। मतलब यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड वन शुड लर्न फ्रॉम योर। फर्स्ट टाइम मुझसे मैरिज नहीं हुआ, सेकंड टाइम मैंने कॉपी बनाई, थर्ड टाइम मैंने और सब पार्ट की थी, कैसे कैसे मैं इसको डिवाइड करूँ। सिमिलरली सर पेपर 3 के लिए भी, एग्रीकल्चर एक साथ, पॉलिसीज एक साथ, और जो साइंस एंड टेक है जो आता है वो एक साथ, और फिर सिक्योरिटी के जो जजमेंट या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम आ रही है, जो अपडेट्स हो रहे हैं, या इंडिया और फॉरेन रिलेशंस जो आईआर वाला पार्ट है वो भी सिक्योरिटी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं इंडिया इजराइल फॉर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन, तो वो सब हमने सेग्रीगेट किया। और उससे सर फायदा ये होगा कि मुझे ऐसे लिखने में भी मदद कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टिप्स पर थी कि ठीक है सिक्योरिटी वाले भी हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब जीएस की प्रिपरेशन में ऐसे में बहुत मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन 2 पेपर्स में जो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है और इंटरनेशनल रिलेशंस, कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको इन एरियाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, ये उनके लिए चैलेंजिंग एरियाज है। तो कुछ आपका संदेश कैसे इस चैलेंज को वो ओवरकम करें? जैसे सर इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो हमें हर कंट्री की बेसिक हिस्टोरिकल ओवरव्यू होना चाहिए कि भाई हमारे संबंध अभी तक कैसे रहे, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम रही है, और एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अच्छा हमने किया है। यदि इतनी बेसिक जानकारी है हम एक पन्ने पर इंडिया नेपाल इंडिया बांग्लादेश करके लिख लें, तो बहुत आसान हो जाता है जब कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। क्योंकि तब हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक करना है, और
सब कुछ गड़बड़ तो चल नहीं रहा है, तो हमें पॉजिटिव चीजें जरूर बतानी चाहिए। अगर इरिटेंट्स भी हैं तो उस इरिटेंट को दूर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, जैसे इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री, ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट है इंडिया की। तो ऐसी चीजें हमारे टेस्ट पर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कुछ पूछे भी नेगेटिव लाइट में तो हमें उसका आंसर अच्छे से कुछ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पे कुछ टेक्नोलॉजी में तो सर हमें बेसिक बेसिक जितनी टेक्नोलॉजी की बेसिक फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी है, स्टेटस में है, तो हमें बेसिक पता हो कि नैनो नैनो स्केल पर काम करता है, क्या बेसिक एप्लीकेशन है, जैसे रोबोटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो बेसिक बेसिक चीजें पता हो, ताकि यदि उससे संबंधित कोई बात पूछी जाए कि रोबोट जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, तो रोबोटिक्स अगर पता होगा तभी हम उसको कर पाएंगे। तो बेसिक बेसिक सारी हम वही दो तीन करने में समझ। आपका कहने का मतलब बहुत स्पेशलिस्ट स्टडीज की जरूरत नहीं जाना है और सारी चीजें कवर कर लीजिए, तो अच्छे हमने रोबोटिक्स बहुत अच्छे से कर लिया और नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं पता, तो फिर वहां पर ऐसा पूर्ण ये जनरल स्टडीज है या स्पेशलाइज्ड स्टडीज की जरूरत नहीं। पेपर फोर जो रिलेटिवली न्यू एरिया है, पिछले 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, जिसमें केस स्टडीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसकी तैयारी के लिए कोई खास आपने रणनीति बनाई थी? सर केस स्टडी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है कि आपको उस पेपर को करते वक्त फील आएगा कि आप सच में जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं और आपके सामने प्रॉब्लम है, तो वो उसको हमें सोचना चाहिए ऐसे ही जैसे कि हम सच में ऑफिसर हैं, मेरे सामने क्या रिसोर्सेज हैं, और कुछ चीजें उसमें फ्रंट में दी रहती हैं, कुछ चीजें नहीं दी रहती हैं। जैसे एनजीओज हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो सकता है नहीं दिया, बट हम आंसर लिखते वक्त उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि केस स्टडी में क्या चीजें दी गई हैं और क्या चीजें नहीं दी गई हैं, वो भी हम आंसर लिखने में यूज कर सकते हैं। तो केस स्टडी ऐसे ही करनी चाहिए और दो बार पढ़ करके और फिर खासकर जनरल स्टडीज को लेकर कहां से आपको सहयोग मिला तैयारी के लिए, कहां से इनपुट्स मिले, किसने आपको सपोर्ट किया तैयारी के लिए? मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया जी, कहां से क्या पढ़ना है, और कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे हैं और गौरव जैसे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हिस्ट्री है तो मॉडर्न इंडिया की जो बुक आती है वहाँ से पढ़ रहे हैं, मार्केट में मटेरियल भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, तो डाउट्स जो हैं वो अब आपके दिमाग में रह नहीं सकते, दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बने आपके डाउट के ऊपर आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, गाइडेंस का कितना रोल है कॉम्पिटिशन की तैयारी में? सर क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो कहाँ से स्टार्ट करें ये कई बार जो है कैंडिडेट नहीं समझ पाते, तो गाइडेंस सब चाहिए कहीं ना कहीं, बट अल्टीमेटली आपकी मेहनत और लगन वो सक्सेस दे, बट गाइडेंस तो सर लाइट की तरह होता है जो आपको बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। और ना हो सकता है स्टूडेंट एक ही टॉपिक पर 2-4 किताबों में पढ़ के उलझ के फंस के रह जाए, उससे निकल ना पाए, गलत परसेप्शन बन जाए कि हिस्ट्री बहुत टफ है, तो गाइडेंस आपको कामयाबी तक पहुंचा है? सर मेंटोर भी थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से गाइड करते हैं, तो जरूरत तो सर पड़ती है, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं कम या ज्यादा। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी क्वालिफाई किया जा सकता है इस एग्जाम को? सर लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मार्केट से मटेरियल लेते हैं वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही होता है, तो कोई कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर पाना बहुत मुश्किल है सर। फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिर आप उनको पढ़िए थोड़ा सा। अच्छा, मेंस में एक और इम्पोर्टेंट पेपर है एसे का, 250 नंबर का पेपर है, कुछ बच्चे इसमें अच्छा न कर पाने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते, अच्छा न कर पाने की वजह से अपनी मनचाही सर्विस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इस पेपर का भी बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है, इस ऐसे की तैयारी के लिए कुछ खास आपकी स्ट्रेटजी? सर ऐसे के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने समझा कि कोई भी ऐसे हो, हमारे पास कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं जो सोचने में मदद करते हैं, जैसे सर एक ऐसे में कहीं लिख रहा था जो एल्कोहल प्रोहिबिशन है, उस पर है लेकर प्रोविजन भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, कौन कौन से स्टेट्स उन्होंने बैन कर दिया, और क्या स्टेक होल्डर्स हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोड्यूसर वो एक,
विमेन एक है, एक स्टेक होल्डर चिल्ड्रन है, तो ऐसे स्टेक होल्डर वाइज हम डिवाइड करते जाए, फिर हम समझते जाए कि कौन इससे फायदा हो रहा है, किसको इससे नुकसान हो रहा है, फिर हम पहले ही पूरा एक्सप्लेन करें, फिर आखिर ओपिनियन दें कि ठीक है कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है बट हमें इसको फॉरवर्ड करना चाहिए। ऐसे करके सर पार्ट बाई पार्ट हमें उसको तोड़ना है, बांटना है, फिर आखिर में आके एक करना है, एक ओपिनियन, क्योंकि ऐसे में सर कॉन्क्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ ले जा रहे हैं और फिर सजेशन भी देना है कि कैसे इम्प्रूव करें।